जलंधर के दो अलग अलग इलाकों में रहने वाले दो नाबालिग बच्चे जो कल जलंधर से गायब हो गए थे को जलंधर की रेलवे पुलिस ने अंबाला से बरामद कर लिया है। ये दोनों बच्चे जिनके नाम राजकुमार उम्र 12 साल निवासी विकासपुरी व रमेश कुमार उम्र 10 साल वासी संतोखपुरा कल जलंधर से ट्रेन पर बैठकर अंबाला पहुंच गए थे। जब अंबाला पुलिस ने इन बच्चों को वहां से पकड़ा और जब उनको इनके बारे में पता चला कि ये जलंधर के रहने वाले हैं तो उन्होंने जलंधर रेलवे पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद जलंधर पुलिस ने आज इनको अंबाला से लाकर वारिसों के हवाले कर दिया। एक कल दो बच्चे सानू जाने के अंबाले तो लेने पे कल एक घर तो दौड़ गए थे 12 बजे के करीब दौड़े ने ये घर तो ये कल सानू अंबाले तो साड़ी गार्ड के नाल जाने के रास्ता इन्हों का कायम होया। जो सानू पता लग्या तो इन्हों का एड्रेस तो पता किया काश कुमार सन ऑफ हरिचंद कही केयर ऑफ कही जी महला विकासपुरी है नियर देवी तलाब मंदिर दे जलंधर। ये 12 साल का लड़का है। दूसरा हैगा रमेश कुमार सन ऑफ शाने बहादुर आर ओ हाउस नंबर 14 केयर ऑफ अरोड़ा राकेश अरोड़ा महला संतोखपुरा जलंधर। ये सानू मिले है जो इन्होंने अज इन के बाप जो भी इन्होंने वारस आए ने उन्होंने हवाले किया गया। इन्हों जलंधर से आजाद टीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।